नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानकु आपणकर प्रिय ओडिया कुकिंग चैनल खाना रोजाना को स्वागत करुछि। आज आपण मानक खाना रोजाना किचन नहीं कि आसी गोटे टेस्टी मिठार रेसीपी। आग को दिवाली आसुची तो घरे निश्चित भाव में मिठा प्रस्तुत हे, से टेस्टी आउ इजी रेसीपी आज आपण मानक आनी। भिडियोटी निश्चय शेष पर्यंत देखु, भल लगे आम चैनल को निश्चय लाइक करूँ, फ्रेंड सर्कल निश्चय शेयर करूँ, चैनल नुआ थे चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करनी, पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करने को जमा भी भूल तेरे। चलो आज प्रस्तुत करे रेसीपीटी को। एबे एटी मु प्रथमे 500 ग्राम मैदा नहीं जाइछी, आउ से मैदा रे ही गोटे पिंच लुण नहीं जाउछी। एबे सेथिरे मु गोटे कप तेल नहीं जाउछी, आ ताकु एपरि भाबरे धीरे धीरे भलसे मैदा सहित मिक्स कर नउछी, जेमिति हमर मन भलसे दे हि जइबो। हमर जदि मन भलसे दे हिथिबो ताले हमर खजा बिल्कुल भल प्रस्तुत हबो, आ पूरा खास्ता प्रस्तुत हबो। मु एटी 500 ग्राम मैदा पई गोटे कप तेल नहीं छी, जोटा कि पखापाखि 100 ग्राम तेल हम। आपण प्रथम यहीपर भाव भल से मिक्स करे, यहीपर चेक करने जदि यह पूरा यहपर बाइंडिंग होमें जाना जे आमर ये मन पूरा भलसे दिखाई, आईरे ही आम खजा पूरा भलसे प्रस्तुत हम। जदि आमर यहाँ एमती बाइंडिंग होमें जाना जे यहाँ भलसे बनि, आउ टे तेल देकर मिक्स करने। एबे मु अल्प अल्प पानी देकि एक डो बनई नौ, एटा जमा आम पूरा टाण डो बनैबानी कि पूरा सॉफ्ट डो बनैबानी, आम जमी रुटी दलती तार टिके टाण बनैबा। एबे एटी देखंतु आमर डो पूरा प्रस्तुत हो जाइछि, आम एको कभर करके 15-20 मिनिट पर्यंत रेस्ट पई छाड़ी देबा। एबे आम या पई सिरा बनई नबा। सिरा बनैबा पई मु प्रथमे गोटे कप पानी नै जाउछि, आउ सेइथरे ही 1.5 कप चीनी दे दउछि। आमे पानी ठू चीनी टिके अधिक देबा, जहाँफलि कि आमर सिरा बहुत थिक बनिबो। एबे ताको मिक्स करके एपर भल से फुटे नवा, जमी आमर चीनी से भल से मेल्ट हो सीरा बनीज। एबे 10-15 मिनिट पर्यंत आम यहीपर भाव में कुक करनवा। एबे एटी देखंतु आम मु 10 एबे एटी देखंतु मु 10 मिनिट पर हा को कुक कर सला परे हा केते थिक बनी गलानी। एपर भाव में आम जो सीरा पूरा थिक बनीज आम गैस को बंद करनवा। एबे आमे बने नेबा ए तेल आ मैदार अठा को। मु एटी 2-3 चम्मच तेल नहीं छी, आउ ता सहित तो ही गोटे चम्मच मैदा नहीं जाऊँ, आउ ताकु भल से परि मिक्स करनेबा। देखंतु एटी गोटे अठा प्रकार बैटर आमर प्रस्तुत हो गला, एहा को आमे रखिबा गजारे लगेबा पई, एको आमे परे यूज करिबा। एबे चलंतु जो मैदा को आमे बनेले ताकु गुळा बनेई नेबा। एबे मैदा 15-20 मिनिट पर देखंतु मोर एटी सॉफ्ट बनी जाइछि। एबे तार एपरि भाव रे मु गुळा बनि नउछि, बिल्कुल जेमिति रोटी पई बनांती सेहिपरि बनेइबा। आउ ताकु अल्प अल्प मैदा देकि एहिपरि भल से रोटी परि बेली नेबा। मु एटी 5-10 टी एहिपरि रोटी बेली नउछि। तापरे आमे आर खजा प्रस्तुत करिबा। एबे मु एटी गोटे थाली को एपरी ओल्टे कि नै जाई छी, आपण जे कोनोसी समान जगह रे भी नै परिबे। आ तापर हि जो रोटी को आमे बेलीथले एपरी थोई देबा, जो मैदा आ तेलर अठा बनैथले थेतरु अल्प अल्प देकि ताकु एपरी भलो से ग्रीस करनबा, जेमदि चारियाडे अठा लागि जिवो। एबे एटी देखंतु 5टी मु पूरा देई सारी छी, ताकु एपरी भाबरे एबे रोल करिनबा। रोल टी को आमे पूरा टाइटली रोल करिबा, नहले हा फिटि जिवो, आ ताकु जमा भी एपरि जोर से जमा दबेबा नहीं, हल्का हल्का हाथ में दबे देबा, जमी केवल तार साइड गुड़ा ही टाइट से लगे। एबे एटी देखंतु धीरे धीरे यहाँ को एपरि रोल करनेबा, या जमा भी प्रेस करिबानी जोर से, किंतु टाइटली रोल करिबा, जमी तार साइड जमा भी खोली जीवनी। आ ताकु रोल करके आनिबा बेले लास्ट रे एपरि आउ टिके से मैदा आ तेलर अठा लगे देबा, जमी भल सेटा सील हो जीवो। एबे देखंतु मु एटी आउ टिके से परि अठा लगे नौछि, आ ताकु भल से परि दबेकि ताकु रोल कर नौछि। एबे हाकु धीरे धीरे एपरि छोटो छोटो साइज रे काटि नेबा। एबे जो आमे आगुरु रोल रु काटि थिले ताकु एपरि भाबरे बेली नेबा। बेलीबा पूर्वरु आमे प्रथमे ताकु एपरि भाबरे अल्प से दबेइ नेबा। एबे ताको एपरि भाबरे हल्का हाथ से बेली नेबा, जमा भी प्रेस करिबानी जोर से, नहले आमर लेयर भलसे बाहरिबनी, सब गोटे सहित गोटे लागि जिवो।
ଏବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି କି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଇଛି ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ କେତୋଟି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଲିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ତେଲ ଗରମ କରି ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତେଲକୁ ଜମା ବି ବହୁତ ଜୋରରେ ଗରମ କରିବାନି, ମୁଁ ଏହାକୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗରମ କରିକି ରଖିଛି। ଆଉ ତାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଖଜାକୁ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବା, ଏହାକୁ ଜମା ବି ଏପଟ ସେପଟ କରିବାନି, ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇକି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିବ। ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏହା ଫ୍ରାଏ ହେଲାଣି ବୋଲି। ଆଉ ତାପରେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି 5-10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ କରିନେଉଛି। ଏହା ଆମର କଲର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ପକାଇଲା ବେଳେ ବବଲ୍ସ ବାହାରିଥିଲା, ସେ ବବଲ୍ସ ବି ଏବେ କମିଗଲାଣି, ଆମର ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ତେଲରୁ କାଢ଼ି ଆଣିବା। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲେ ଖଜାକୁ ତାକୁ ଆମେ ଶିରାରେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଶିରାରେ ଜମା ଆମେ ତାକୁ ପକାଇକି ରଖିବାନି, ତାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଡିପ୍ କରିକି ଏପଟ ସେପଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ କାଢ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ସେହିପରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଆଉ ଶିରାକୁ ଜମା ବେଶୀ ଗରମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଖଜାକୁ ପକାଇବାନି, ବିଲକୁଲ ଉଷୁମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଏହାକୁ ପକାଇବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଏଇଟା ବେଶୀ ବତୁରି ଯିବନି। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପକାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି କରିକି କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖଜାକୁ ମୁଁ ଏଠି କରିକି କାଢ଼ି ନେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଟେଷ୍ଟି ମିଠା ବନିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଏଇ ପୂଜାରେ। ଆଉ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।